कीमती समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर चुनावी शंखनाद बज चुका है, वो समय आ चुका है जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी चुनकर हम देश के संसद में भेजेंगे, कौन सा प्रत्याशी होगा जो केंद्र सरकार के समक्ष हमारे विकास के कामों का जायजा रखेगा, हमारी मांगों को रखेगा और केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसी नीतियों को लाएगा जिसका लाभ जो है पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र के परिवार को हो सके। आप जानते हैं कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के ऐसे प्रत्याशी रहे, ऐसे दिग्गज प्रत्याशी रहे जिन्होंने हिमाचल का गौरव जो है पूरे देश के अंदर बढ़ाया। आप जानते हैं आदरणीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्यमंत्री बनके तो इन्होंने देश के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित किया ही, परंतु आप जानते हैं कई मर्तबा मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनकर दिल्ली तक पहुंचे, कई मर्तबा ये केंद्र सरकार में मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण विभाग इनके अंतर्गत रहे। और आप जानते हैं ऐसी शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह जी हैं कि हिमाचल का बच्चा बच्चा जो है इनका नाम जानता है। ऐसी कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं हिमाचल का जो इनके विकास के कामों से छूटा रहा हो। तो इस उम्र में भी मेरे जो है सारा तेल निकल चुका है, 1 महीने के अंदर इतना बड़ा हमारा संसदीय क्षेत्र है कि 1 महीने के अंदर पूरा तेल निकल चुका है, परंतु आज भी राजा वीरभद्र सिंह जी इतने ऊर्जावान है कि हम मेरे जैसे दर्जनों युवाओं को आज भी पानी पिला सकते हैं, इतनी क्षमता इनके अंदर। आप जानते हैं दूसरे हमारे जो गद्दावर नेता यहाँ से रहे रिश्ते में मेरे दादाजी लगते पंडित सुखराम जी, आप जानते हैं कई मर्तबा प्रदेश सरकार में रहे, आज देश और दुनिया जो है दूर संचार के नाम से उनको याद करती है। आज मोबाइल फोन की घंटियां जो हमारी जेबों में बज रही है, जो इंटरनेट की सुविधा हमको मिल रही है, उसमें पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 5 सालों के अंदर इन्होंने हमको बहुत से झूठ बोले, हमको ऐसे वादे किए जो होने वाले वादे नहीं थे। आपको याद होगा 5 साल पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका बड़ा प्रचार किया कि अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को लेकर आना है, इस तरीके का जैसे हम कहते हैं हर हर महादेव, तो उनके साथ भी उनकी तुलना करती मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। तो ऐसा हमको प्रचार किया गया कि हमको लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी तो पता नहीं देश का विकास रुक जाएगा और ये देश जो है विनाश के रास्ते पे चल पड़ेगा। आप जानते हैं हमको ऐसे वादे किए कि 15 लाख रुपए हमारे खातों में आएंगे, तो आज आप देखते हैं कि 5 रुपए की भी धनराशि हमारे खातों में नहीं आई है। हमको कहा कि विदेश से काला धन लेकर आएंगे, तो विदेश से काला धन तो नहीं आया, परंतु जो हमने अपनी मेहनत की कमाई से बचा के घर में रखे होते थे कि कुछ शादी ब्याह में खर्च करना पड़ेगा, कोई हमारा घर का व्यक्ति रिश्तेदार बीमार हो जाएगा या कोई शिक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा, हमने घरों में बचा के रखे होते थे, तो वो पैसे भी निकाल दिए और नोटबंदी करके किसकी जेबों में डाल दिए, उद्योगपतियों की जेबों में डाल दिए, वो उद्योगपति जो आज 1000 करोड़ रुपए लेकर विदेश जाकर बैठे। जैसे हमारे वादे किए गए कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेगा, मतलब 5 वर्षों के अंदर 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, परंतु आज आप देखते हैं कि हमारा शिक्षित युवा जो है दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। आप